वेलकम टू माई एस वाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में स्वागत है गाइस। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के हम प्रेजेंट हैं। तो आज की मेरी टॉपिक है चिंतन थिंकिंग से रिलेटेड, और नेक्स्ट जितने जो है सिद्धांत हैं तो सबको मैं इंक्लूड करने वाली हूँ। तो आई होप कि आपकी कल की वीडियो यदि आप देखे होंगे लगातार तो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं अपने हम डिस्कस करते हैं, देखेंगे कि थिंकिंग क्या चीज़ होती है। यहाँ पे चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका आरंभ समस्या से होता है, ठीक है, प्रॉब्लम से होता है। थिंकिंग इंसान कब करता है, जब उसको कोई समस्या होती है तो उस पर बहुत ज़्यादा थिंकिंग करना क्या होता है, एक तरह का जो है एक विचार करना, वो थिंकिंग होता है। तो अंत में देखेंगे कि उस समस्या का समाधान से होता है, थिंकिंग विचार करके उसका समाधान निकालना थिंकिंग होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जो है संज्ञानात्मक पक्ष या ज्ञानात्मक पक्ष के द्वारा जो है अपनी जो है मानसिक क्रिया का प्रयोग किसी भी समस्या के समाधान के लिए करता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, थिंकिंग। यानी एक व्यक्ति है, क्या है, उसको किसी प्रकार की एक क्या हो जाती है, कोई प्रॉब्लम होती है, वह क्या करेगा, उस पर थिंकिंग करेगा, विचार करेगा, उसका समाधान निकालेगा। तो वही क्या होता है, थिंकिंग होता है। समाधान निकालने के बाद वो सॉल्यूशन निकलता भी है, नहीं भी निकलता, उसे ही थिंकिंग कहते हैं। अब देखेंगे थिंकिंग कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो किस प्रकार की, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान जब व्यक्ति जो है अपने विचारों के द्वारा, प्रतीकों के द्वारा, संपत्तियों के द्वारा, मानसिक शक्तियों के जो है प्रयोग करता है, करते हुए उसका जो है सॉल्यूशन निकालता है, तो इस प्रक्रिया के चिंतन कहते हैं, थिंकिंग कहते हैं। तो आई होप दिस क्लियर हो गया होगा गाइस। तो यहाँ पे देखेंगे कि मानव में तीन पक्ष होते हैं, ऑलरेडी यानी आप टीचिंग किए होंगे, बीएड हैं, एमएड हैं, या आप टीचिंग किए होंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि जो है मानव में थ्री टाइप्स के क्या होते हैं, पक्ष होते हैं। उसमें क्या है, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। आई होप कि दिस क्लियर होगा, ऑलरेडी पहले से ही चिंतन का जो है सीधा संबंध ज्ञानात्मक पक्ष से होता है, ज्ञान से होता है, और चिंतन को जो है एक ज्ञानात्मक पहलू माना गया है। क्रियात्मक आई होप कि पता होगा कि एक्टिविटी से होता है। भावात्मक जैसे भाव क्रोध हुआ अंदर उत्पन्न होता है, क्रोध का भाव, जैसे किलकिलाहट, खुशी का भाव, ये चीज़ होता है। अज्ञान से मतलब विचार कोई करेगा, थिंकिंग करेगा व्यक्ति, तो अपने आप उसको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब देखेंगे यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बैठे हुए हैं त्रिलोक, ठीक है। अब हम कुछ आपको बताने वाले हैं कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, ज्ञानात्मक पहलू के द्वारा किसी भी प्रकार की समस्या आने पर अपने जो है मानसिक शक्ति का प्रयोग कर अपने विचारों, संपत्तियों, प्रतीकों, प्रतिबिंबों या प्रतिमाओं के द्वारा, जैसे इमेजिंग होती है, के द्वारा जो है प्रॉब्लम का जो है समाधान, सॉल्यूशन करता है, तो इस प्रक्रिया को ज्ञानात्मक पक्ष द्वारा की गई थिंकिंग की जो है प्रोसेस कहलाता है। अब देखेंगे यहाँ पे विचारों, संपत्तियों, प्रतीकों, प्रतिबिंबों व जो है प्रतिमाओं को थिंकिंग यानी चिंतन का साधन माना गया है। तो ये ऑलरेडी एग्जाम में क्या पूछेगा गाइस, सीटेट, यूपीटेट, रीटेट और यूजीसी नेट, किसी भी एग्जाम, बीएड, बीटीसी, एमएड, कुछ भी कर रहे हैं, सबके लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे पूछ देगा कि जो है विचारों में कितने जो है समस्या का समाधान निकालने के लिए संपत्ति क्या क्या चीज़ हैं, तो प्रक्रिया इसमें संपत्तियों, प्रतीकों, प्रतिबिंबों एवं प्रतिमाओं, ये आप 4 जो है बिल्कुल लर्न करके रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, ये रहा, अब यहाँ पे थिंकिंग कर रहे हैं लोग किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए। तो आई होप कि आप बिल्कुल, अब हम आपको आज बताने वाले क्या हैं गाइस, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ पे हम डेफिनेशन बताने वाले हैं थिंकिंग के, टाइप्स, काइंड्स, आप टाइप्स, इसके संप्रत्यय चिंतन, यहाँ पे प्रत्यक्षात्मक जो दिखता हो जो थिंकिंग होता है, कल्पनात्मक जो दिखता न हो, कल्पना करके, इमेजिंग करके जो थिंकिंग की जाती है, संप्रत्या
रचनात्मक जो है थिंकिंग होती है, तार्किक जो होता है तर्क वितर्क करके जो विचार किया जाता है, आपस में दो तीन लोग तर्क वितर्क करते हैं, और यहाँ पे देखेंगे जो थिंकिंग होता है, और यहाँ पर कल्पनात्मक जो पोयम कविता जो कवि जो पोएट होते हैं वो लोग इसकी जो है थिंकिंग करते हैं, और देखेंगे रचनात्मक जो है कलाकार आर्टिस्ट लोग जो होते हैं गाइज वो लोग विचार करके इमेजिंग करके जो है अपना जो भी बनाते हैं आर्ट वगैरह। अब देखेंगे चिंतन जो के पद क्या हैं तो वो भी हम बताने वाले, ये सारे संप्रत्यय कलेक्ट करके हम आपको सारी आपके सामने जो कि जितने कंटेंट होंगे सबको प्रेजेंट करेंगे। समस्या का सही आकलन कैसे होता है, समस्या से संबंधित तथ्यों का संकलन, निष्कर्ष तक पहुंचना और निष्कर्ष का जो है परीक्षण के बारे में, चिंतन की जो है विशेषताएं क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में जो है चिंतन और भाषा विकास के बारे में भी बताने वाले हैं गाइस, और जो है स्पष्ट ज्ञान का विकास, समस्या समाधान विधि का प्रयोग और प्रेरणा रुचि अवधान का प्रयोग, विचारात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाएगा, स्वतंत्र अवधि के अवसर, और यहाँ पर बहुत कुछ लेके आए हैं बताने वाले। चलिए हम डेफिनेशन के बारे में हम चर्चा करते हैं, इससे ठीक बाद में जो है हम बिल्कुल ट्रिकली डेफिनेशन आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत पहले जो है पुराने कई साल वीडियो 2018-19 में हम जो है ट्रिकली जो है बना चुके हैं डेफिनेशन का, बट आपको लर्न नहीं होंगे तो यहाँ पे ज़रूर आप देखिए। चलिए देखते हैं थिंकिंग के डेफिनेशन को इंक्लूड करते हैं। राश के अकॉर्डिंग बहुत ही फेमस डेफिनेशन है कि चिंतन मानसिक प्रक्रिया का संज्ञानात्मक पहलू है। अब राश के अकॉर्डिंग कोई एक वर्ड इसमें पकड़ेंगे तभी तो हम अपना डेफिनेशन क्लियर करेंगे, तो यहाँ पे हमारा इसके अकॉर्डिंग राश के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है, चिंतन मानसिक प्रक्रिया का संज्ञानात्मक पहलू है गाइस। तो आई होप कि आपको एक इसमें से वर्ड कैच करना पड़ेगा ताकि पूरा लर्न नहीं है तो एग्जाम में आप पकड़ लोगे कि राश का ही डेफिनेशन है। तो यहाँ पे मानसिक क्रिया ज्ञानात्मक पहलू है, तो दो वर्ड पकड़ेंगे रास के जो है दिमाग में मानसिक क्या है उनका जो है बिल्कुल ज्ञान से भरा हुआ है, तो यहाँ पे ये पहलू पे विशेष बल दिए हुए हैं, तो आप पहलू ज्ञानात्मक पहलू को आप सेट करके रख लेंगे, ठीक है। ये रहा, अब देखेंगे गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग डेफिनेशन, यहाँ पे चिंतन का प्रतीकात्मक व्यवहार है और यह सभी प्रकार की वस्तुओं और विषयों से संबंधित है। अब एक बार सेट करेंगे सबको, हम अभी अभी इंक्लूड करके रखते चल रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे इसको जो है इंग्लिश में देखेंगे कि थिंकिंग इज ए सिंबॉलिक बिहेवियर फॉर ऑल थिंकिंग डील्स विथ जो है सबस्टेंस फॉर थिंकिंग्स गाइज, डेफिनेशन डिफाइंड किया गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट सी नाउ वेलेंटाइन अकॉर्डिंग्स, थिंकिंग जो है चिंतन शब्द का जो है प्रयोग उस प्रक्रिया उस क्रिया के लिए किया जाना चाहिए जिसमें जो है विशेष रूप से श्रृंखलाबद्ध विचार किसी भी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर प्रवाहित होते हैं। अब हम यहाँ पे तीन लोगों में डिफरेंस पकड़ेंगे कि क्या हम याद रखेंगे कैसे, यहाँ पे श्रृंखलाबद्ध ठीक है लड़ी का प्रयोग किए हुए हैं कौन, वैलेंटाइन डे इनके वैलेंटाइन का नाम सेट कर लीजिए। अब श्रृंखलाबद्ध का प्रयोग वर्ड जिस परिभाषा में डेफिनेशन में आएगा आप इसका की वर्ड पकड़िए, क्या गाइस बिल्कुल की वर्ड आपको पकड़ना होगा, क्या है की वर्ड बिल्कुल सेट करके आप रखेंगे इसका, ज्ञानात्मक पहलू की वर्ड है, मानसिक क्रिया और ज्ञानात्मक प्रतीकात्मक जो व्यवहार है गिलफोर्ड में है डेफिनेशन में, किसी में है नहीं है, वैलेंटाइन जो है इसमें श्रृंखलाबद्ध है किसी में नहीं है नहीं है, बस एक कीवर्ड आप लर्न करेंगे। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अब देखेंगे वुडवर्थ और गैरेट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, अभी तो हमने मानसिक क्रिया आप देखें किस में था रास में, तो रास का ज्ञानात्मक पहलू ही सेट करके रखना है कि रास में है, तो अब देखेंगे वुडवर्थ के डेफिनेशन में आएगा मानसिक जो है क्रिया, तो इसलिए ऑलरेडी हम आपको बता दिए वुडवर्थ, चिंतन किसी भी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया है, इसमें आपका की वर्ड क्या है जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग, अधिक से अधिक आप व्यूज आने लगेगा क्योंकि बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, तो सब्सक्राइबर जो है होता है ना कि कभी कभी जो वीडियो नहीं बनाओ तो लोग भूल जाते हैं, तो आई होप कि आप अधिक से अधिक शेयर करिए,
जब अधिक लोग ज्वाइंट हो जाएंगे तो हम लाइव क्लास लेने लगेंगे बिल्कुल फ्री। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे वुडवर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे खोज वर्ड आप सेट करके रखेंगे, किसी में मिला पहले नहीं मिला, आप बिल्कुल तुलना करके देख लेंगे, ठीक है। वुडवर्थ में खोज को ध्यान रखेंगे। अभी हमने रास के अकॉर्डिंग आपको बताया ज्ञानात्मक पहलू से रिलेटेड, फिर इसके बाद हमने किसका डेफिनेशन बताया, सबका सेट करके माइंड में रखेंगे। अभी एक बार फिर हम आपको रिवाइज करवाएंगे। देखेंगे गैरेट के अकॉर्डिंग जो है चिंतन एक प्रकार का अव्यय एवं रहस्य पूर्ण व्यवहार होता है। इसमें जो है सामान्य रूप से प्रतीकों प्रतिबिंबों विचारों एवं प्रत्ययों का प्रयोग होता है गाइस। तो बहुत ही ईजी से आपको सारे डेफिनेशन लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हमने गैरेट में आपको जितना ब्रैकेट में दिया है प्रतीकों को, प्रतीक था किसी में नहीं था, ठीक है। रास के अकॉर्डिंग आपका तो लर्निंग हो गया है, क्या है रास के अकॉर्डिंग जो है ज्ञानात्मक पहलू, और जो है अभी इसके बाद जो है गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग प्रतीकात्मक व्यवहार, ठीक है, किसी में नहीं था। कीवर्ड सेट करके रख लेंगे हम, एक वीडियो कीवर्ड पे बना देंगे, आपको इजी से लर्न हो जाएगा, ठीक है। ट्रिकली रख देंगे वैलेंटाइन डे के अकॉर्डिंग श्रृंखलाबद्ध, और वुडवर्थ के अकॉर्डिंग हल खोज निकालना, तो हल खोजने के लिए कीवर्ड आपका ए सेट हो जाएगा। गैरेट के अकॉर्डिंग प्रतीकों, और प्रतीकों का मतलब उसमें बहुत कुछ आ जाएगा जैसे बिंबों विचारों और प्रत्ययों, ये आपका कीवर्ड रहेगा। आई होप कि आप बहुत अच्छा लगेगा डेफिनेशन आपको इसका। अब देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट। अब इसके काइंड बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी बट बहुत ही काम की है गाइस, तो देख लेते हैं। चिंतन के प्रकार क्या है, विभिन्न विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने जो है चिंतन के 5 प्रकार बताए हैं, ठीक है। किसी एक ने नहीं, कई लोगों मिलकर के थिंकिंग के काइंड्स ऑफ थिंकिंग, देयर आर जो है 5 टाइप्स ऑफ थिंकिंग, आई होप कि अंडरस्टूड। अब चलते हैं उन 5 टाइप्स को इंक्लूड करने, ठीक है। पहले प्रत्यक्षात्मक थिंकिंग, ऑलरेडी हमने ऊपर बता चुका कि हम आपको क्या क्या स्टडी कराने वाले हैं गाइस। तो यहाँ पे देखेंगे प्रत्यक्षात्मक चिंतन, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है कि आपने क्या थिंकिंग किया है। तो यहाँ पे चिंतन जिसे हम मूर्त चिंतन के नाम से भी जानते हैं, दिखता है, ऑलरेडी हमने आपको बता दिया कि विचार किया जाता है कि वो चीज़ प्रेजेंट होता है, ठीक है। यह चिंतन संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण के द्वारा प्राप्त मूर्त अनुभवों पर आधारित होता है। इस प्रकार के चिंतन के अंतर्गत विभिन्न व्यक्ति किसी न उद्दीपक का जो है पूर्व अनुभव प्राप्त प्रत्यक्ष जो है उद्दीपकों से संबंध स्थापित करने का जो है प्रयत्न करता है। व्यक्ति पूर्व अनुभव आधारित उद्दीपक के द्वारा नए उद्दीपक को देखने और समझने का प्रयास करता है। इस प्रकार के जो है चिंतन को सबसे जो है निम्न प्रकार का चिंतन कहा जाता है। शिशु के द्वारा इस प्रकार के चिंतन, एक छोटा बालक जो शिशु होता है उसके द्वारा चिंतन किया जाता है। इस चिंतन का मतलब हमने यहाँ पे बताया कि व्यक्ति पूर्व अनुभव आधारित उद्दीपक के द्वारा जो है नए उद्दीपक को देखने समझने का प्रयास करता है। कोई एक सिंबल होता है उसके सहारे वह दूसरे को देखने का प्रयास करता है। यहाँ पर तो शिशु के द्वारा ही ऐसा किया जा सकता है, बोध बालक के द्वारा। तो देखेंगे कल्पनात्मक चिंतन क्या है। आई होप हमने ऑलरेडी बताया था आपको कि कल्पना कौन करता है, जैसे एक पोएट हो गए तो किसी चीज़ को जैसे पोएम लिख रहे हैं तो पहले उसमें तो इमेजिंग करते होंगे वो लोग, तभी तो लिखते हैं पोएम। तो इसमें क्या है कि इनके नाम से पता चलता है कि वह चिंतन जो कल्पनाओं पर आधारित है, ठीक है, इमेजिनेटिव होता है। यह चिंतन उद्दीपकों की जो है उपस्थिति में होता है, और इसके अंतर्गत क्या होता है कि हम जो अपने पूर्व अनुभव की स्मृति याद के आधार पर चिंतन करते हैं। कोई चीज़ जैसे कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, पोएम में किसी की डेथ हो जाती है, उसके ऊपर जो है कविता उनको लिखना है पोएम, तो उसमें वो इमेजिंग करता है, ठीक है, कल्पना करता है फिर इसके बाद क्या क्या हुआ होगा, ऐसे मतलब वो लिखता है, ठीक है। तो ये चिंतन हो जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति किसी भी प्रकार के अपने पूर्वानुभव, ऑलरेडी हमने आपको बताया कि ठीक है किसी की डेथ हो गई है और उस पर वो पोएम लिख रहा है, तो उस अपने अनुभव के आधार पर थिंकिंग कल्पना करके वो
आधारित कल्पना करता है, उससे जो है संबंधित भविष्य की समस्या पर विचार करता है। अब जो पूर्व यानी पहले वाले पे आने वाले समय के लिए उस पर एक समस्या पर विचार करता है। अब देखेंगे प्रत्यात्मात्मक जो है चिंतन के बारे में हम जाते हैं जानेंगे। देखें जब कोई उद्दीपक जो है निरंतर किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आता है, जब कोई उद्दीपक लगातार किसी व्यक्ति के संपर्क में आता है, उसी उद्दीपक का जो है मानव को विश्लेषण संश्लेषण तथा सामान्य कारण हो जाता है। ठीक है, बार बार जब आता है अब देखेंगे जिसके फल स्वरूप मानव मस्तिष्क में जो है इसका संप्रत्यय स्थापित हो जाता है। इस प्रकार से पूर्व निर्धारित संप्रत्यय पर ही प्रत्यकात्मक चिंतन आधारित होता है। इस प्रकार के चिंतन में जो है मनुष्य के मस्तिष्क में स्थापित पूर्व संप्रत्यय की सहायता से नए संप्रत्यय का निर्माण होता है। यहाँ पर तो यहाँ पे जैसे पूर्व जो संप्रत्यय होता है उसी के आधार पे जो है चिंतन व्यक्ति करता है, तो नए चीज़ों का उद्दीपन होता है वहाँ पे। अब तार्किक चिंतन के मतलब जान गए, तर्क वितर्क किसी चीज़ पे करना, तर्क के आधार पे चिंतन। इस प्रकार के जो है चिंतन समस्या के जो है समाधान पर आधारित होता है। अशिक्षा शास्त्री जॉन डीवी ने जो है तार्किक चिंतन को जो है विचारात्मक चिंतन की संज्ञा दी है, और उनके जो है अनुसार चिंतन की प्रक्रिया समस्या के समाधान की प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति तर्क के आधार पे समस्या का समाधान रुकता है। पता है कि इस प्रकार के चिंतन को उच्च कोटि का चिंतन, तर्क वितर्क करना, आपस में कहा जाता है दो चार लोग बैठकर किसी भी टॉपिक पे क्या कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, तो उस पे जो है समाधान तो निकलना ही है, तो इसे उच्च कोटि का थिंकिंग कहते हैं गाइज। अब रचनात्मक में देखेंगे क्या है, तो यही हमारी लास्ट है, हम फाइववा लास्ट हम चर्चा करने वाले हैं। यदि मेरी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो हम सेकेंड पार्ट इसका देने वाले हैं आपको। अब देखेंगे रचनात्मक चिंतन में क्या होता है, सृजनात्मक चिंतन भी इसे कहा जाता है। सृजन करना, रचना करना, ऑलरेडी आपको पता होगा पहले से। इस प्रकार के जो है सृजनात्मक चिंतन को उच्चतम चिंतन का रूप माना जाता है, यानी पहले तर्क फिर रचनात्मक भी है उच्च कोटि का। इस प्रकार के चिंतन में जो है तथ्यों के आधार पर नियम बनाए जाते हैं तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन इसमें किया जाता है। जितने जो है सिद्धांत थ्योरी प्रिंसिपल होते हैं उसका जो है इसमें स्थापित किया जाता है। जितनी भी नई नई जो है वैज्ञानिक खोज एवं शिकार होते हैं वे सब रचनात्मक चिंतन के द्वारा ही होते हैं। और रचनात्मक चिंतन पर को भी जेपी गिलफोर्ड अपसारी चिंतन का भी नाम दिया है। रचनात्मक चिंतन के जो है कितने पद होते हैं, चार होते हैं। अब हम इसको हम इंक्लूड नेक्स्ट पार्ट वीडियो में करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सीटेट के एग्जाम में अपसारी ये चिंतन के बारे में बार बार यूपी टेट के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है इससे रिलेटेड, तो कहीं नहीं जाइए, लगातार लगे रहिए। नेक्स्ट पार्ट वीडियो हम अभी जस्ट देने वाले हैं, ठीक है।